चैनल दिस इज़ डी जे सी क्यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं MHC GX 2000 और इसके सिस्टम के मॉडल डिटेल्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके साथ साथ इसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चर यूज़र मैनुअल जो हम हर वीडियो में अटैच करते हैं वो आपको मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे इस सिस्टम के सारे फीचर्स के बारे में, इसके फ्रंट पैनल, बैक पैनल और जो भी इसके मेन्यू फीचर्स हैं, कनेक्टिविटीज़ हैं, सेटिंग्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए। और जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पसंद करते हैं और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है मिलते रहें। करते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स की। जो लेफ़्ट साइड में फर्स्ट 3 बटन्स हैं जो कि है पावर ऑप्शन, डिस्प्ले एंड स्पेक्ट्रम, इसे आप इसे पावर ऑन कर सकते हैं। जैसे आप चेक कर रहे हैं फिलहाल ये वो ट्यूनर मोड पे बाय डिफ़ॉल्ट चला गया है। इसकी वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। डिस्प्ले इज़ द सेकंड बटन। स्पेक्ट्रम डिस्प्ले यानी इसके डिस्प्ले मोड को आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आप अपने डेमो मोड में जिस तरीके की व्यू आप रखना चाहते हैं, यानी कि अगर जो डेमो मोड में मोस्टली लाइट्स ऑन होती है वो व्यू आप रख सकते हैं या टाइमर मोड रख सकते हैं, वो डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम इज स्पेसिफिकली फॉर द मूवमेंट ऑफ म्यूज़िक जो आपको इसके स्क्रीन पे मिल जाती है। काफ़ी एक यूनिक फीचर है इसका, वो स्पेक्ट्रम फीचर आपको इस बटन से चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं राइट साइड के बटन्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो राइट साइड में अगर आप चेक करें इसमें प्ले मोड, रिपीट एंड एडिट, ये 3 बटन्स दिए गए हैं। डायरेक्शन, स्टीरियो मोनो एंड ट्यूनर मेमोरी, यानी प्ले मोड से आप इसके प्ले मोड्स को चेंज कर सकते हैं, स्टीरियो मोनो से आप स्विच कर सकते हैं किस तरीके का ऑडियो आउटपुट आपको चाहिए, और ट्यूनर मेमोरी के थ्रू आप इसमें जो भी आपके FM चैनल्स हैं सर्च करने के बाद उसे सेव कर सकते हैं। प्रिटी सिंपल सिस्टम है ये, बहुत ही अच्छा बेसिक वर्जन है सोनी का जो आप यूज़ कर सकते हैं 2 स्पीकर्स के साथ, एक कॉम्पैक्ट छोटे से मेन रूम के लिए या पर्सनल बेडरूम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को। काफ़ी अच्छी और क्लियर आउटपुट मिलती है सिस्टम के थ्रू आपको। आइए इसके बात करें। यहाँ पर है हमारे पास डिस्क के ऑप्शन, डिस्क 1, डिस्क 2 एंड डिस्क 3, ओपन एंड क्लोज फॉर द CD ट्रे। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं इनपुट मोड, इसमें एक ही इनपुट आता है MD वीडियो का। इसके अलावा टेप ए एंड टेप बी यानी कैसेट प्लेयर ए एंड बी, 2 कैसेट ऑप्शन हैं इसमें। CD मोड, ट्यूनर बैंड यानी FM CD मोड में आप CDs जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे आपको इक्वलाइज़र के एडिट ऑप्शन है जिसमें आप इक्वलाइजर्स को चेंज कर सकते हैं। एंटर ऑप्शन है, कराओके ऑप्शन है। कराओके यानी अगर आप माइक कनेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम इसके लेफ्ट साइड के सिस्टम के पैनल पर चेक करें तो यहाँ पर आपको माइक लेवल के ऑप्शंस हैं, मिनिमम मैक्सिमम जो रोटेटिंग नॉब है जिसे आप मूव कर सकते हैं, और यहाँ पर एक माइक कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो अगर आपको गाने का शौक है डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन फीचर्स के थ्रू। ग्रूव मोड में एक अच्छा थंपिंग इफेक्ट आता है सोनी में, ये बहुत कॉमन फीचर देखा गया है। ग्रूव मोड हर म्यूज़िक सिस्टम में आपने ये नोटिस किया होगा, तो ग्रूव मोड के थ्रू आपको एक अच्छी फील, एक अच्छा सराउंड प्लस बेस इफेक्ट मिलता है साउंड में, उसे आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ग्रूव फीचर सोनी में, मुझे वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स लगता है ये। इसके अलावा सराउंड फीचर्स हैं जिसमें आपको थोड़ी सी एक सराउंड टाइप की इफ़ेक्ट आएगी, जैसे आपको एक हॉल में बैठे हैं और वो आवाज़ जो है थोड़ी सी एको होती है, एकदम से नहीं बट थोड़ी सी, ताकि आपको एक सराउंड फीचर मिले, एक सराउंड फीलिंग मिले म्यूज़िक सुनते वक्त या मूवी देखते वक्त। इसके अलावा ठीक नीचे उसके रिकॉर्डिंग स्टार्ट पॉज एंड CD सिंक का भी ऑप्शन है, यानी आप जैसे हम कैसेट टू CD डब कर सकते हैं। मोस्टली आजकल कैसेट या CDs तो कोई यूज़ नहीं करता है, बट जी हाँ ये सारे फीचर्स इसके अवेलेबल होते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ठीक साइड में अगर आप चेक करें, ये एक हेडफोन्स जैक आउटपुट है जिसे आप हेडफोन्स कनेक्ट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वॉल्यूम नॉब है इसका, जिसे आप वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं, और जैसे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक स्पेक्ट्रम देखने मिलता है जो कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे चेक करें इस तरफ,
और ये जो आप इसके पीछे का रोटेटिंग ऑप्शन देख रहे हैं, ये एक फीचर इसका है जिसमें आप जो सेटिंग्स हैं या डीवीडी स्किप फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए पीछे के पैनल की कनेक्टिविटी फीचर्स चेक कर लें। फ्लिप कर लिया, यहाँ पर आपको एक ऑप्टिकल सीडी डिजिटल आउटपुट ऑप्शन मिल जाता है। बहुत ही यूनिक बात है कि इतने छोटे सेटअप में भी आपको ऑप्टिकल आउटपुट मिल जाता है। ऑप्टिकल आउटपुट से काफ़ी क्लैरिटी मिलती है आपको और जो आउटपुट है उसमें काफ़ी फ़र्क आता है। उसके ठीक नीचे अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो आपको इसमें एंटेना फीचर्स मिल जाते हैं। एएम एफएम के एंटेनाज आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। दो एफएम के पोर्ट्स हैं लेफ्ट राइट एंड दो एएम के। फिर उसके नीचे अगर देखा जाए तो इनपुट मोड है जिसमें आप MD इनपुट, जैसे मैंने आपको फ्रंट पैनल में बताया था, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके चलते आप कोई भी दूसरे सिस्टम के इनपुट्स को यूज़ कर सकते हैं। फाइनली आते हैं स्पीकर हमारे इनपुट इनपुट कनेक्टिविटी के, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट चैनल इनपुट यानी रेड एंड ब्लैक का फिर से कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें भी इम्पीडेंस मेंशन किया गया है, 6 to 16 ohms तक के आप स्पीकर्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कनेक्टिविटी। आइए हम थोड़े फीचर्स चेक करते हैं फ्रंट पैनल के, इक्वलाइजर सेटिंग्स चेक करते हैं। अगर हम चेक करें यहाँ पर जो इक्वलाइजर ऑप्शन है, अगर आप स्क्रीन पर चेक करें, एफएम मोड में है ये। वॉल्यूम मैं कम कर लेता हूँ इसकी। इसे हम सीडी मोड में ले आते हैं। जैसे आपने देखा काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है इसकी। डिस्प्ले की आप जो लाइटिंग्स हैं उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पहले ये इक्वलाइजर ऑप्शन इसका, जिसमें आपको मिल जाता है। अगर आपने ये क्लिक किया तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जॉग बटन्स हैं इसके, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाइज यानी आपकी जो एकदम बारीक सी साउंड होती है उसे आप एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो मिड यानी आपके जो वोकल्स होते हैं उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और फाइनली लो विच इज़ योर बेस, आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है इसमें। इसे आप सेव कर सकते हैं एज अ यूज़र फाइल, और ये सेव हो गया। प्रिटी सिंपल, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ग्रूव मोड अगर आप ऑफ करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, या ऑन कर सकते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक बेस्ट क्लैरिटी आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हम सराउंड भी यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल ये अगर आप देखें तो स्क्रीन पर सराउंड मोड लिख के आ जा रहा है सामने। ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि काफ़ी सनलाइट की वजह से जो मेरे बैकग्राउंड है वो रिफ्लेक्ट कर रही है इसमें। बट अगर आप नोटिस करें तो इसमें सराउंड लिख कर आ रहा है, जैसे मैंने सराउंड फीचर ऑन कर दिया है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं सिस्टम के। टोटल आउटपुट इसका 2000 वॉट्स है। इसमें आप दो स्पीकर, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रॉम 6 ohms to 16 ohms मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट फीचर है। यानी अगर आपके पास स्पीकर्स हैं और उस पर पीछे स्टिकर लगा हुआ है सोनी का, वो आप चेक कर लें कितने ओम्स का स्पीकर है, और उस हिसाब से आप अपने स्पीकर्स को इन पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।